कांग्रेस बेचैन है और उससे भी ज्यादा बेचैन है गुलाम नबी आजाद। बेचैनी की वजह पार्टी के पूरी तरह से आर्टिकल 370 पर एकजुट नहीं होना है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी पार्टी के स्टैंड के विरोध में आवाजें उठी, लेकिन सोनिया, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा उन विरोधी आवाजों को दबा गए। गुलाम नबी आजाद के साथ गांधी परिवार है, इसलिए वे अपनी भड़ास बार बार निकाल रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कश्मीर के लोगों से क्या मिले, गुलाम नबी आजाद को मिर्ची लग गई। उन्होंने निहायत गैर जिम्मेदाराना बयान दिया और कहा कि पैसे देकर किसी को भी खड़ा किया जा सकता है। गुलाम नबी आजाद के इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि ये बेहद निंदनीय बयान है। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि ये भारत का अंदरूनी मामला नहीं है और दूसरी तरफ आजाद ऐसे बयान देते हैं। गुलाम नबी आजाद के बयान पर भारत सरकार ने सूत्रों के हवाले से प्रतिक्रिया दी है और कहा गुलाम नबी आजाद का बयान कश्मीरियों को अपमानित करने वाला बयान है। इससे कांग्रेस की सोच का पता चलता है। इस सोच के साथ 70 साल तक कश्मीर को विकास से दूर रखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।